हरियाणा विधानसभा में विधायक रामकुमार गौतम और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच नोकझोंक देखने को मिली, साथ ही दोनों में इस्तीफे को लेकर कहासुनी हो गई। सुनवाते हैं। के बिचारों क्या प्रॉमिस करके आए थे, बैठा आज ही सबको खुश कर दोगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा, सुनो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठे है, ये वायदा करके आया था ये मुआवजा दिलाऊंगा, बेचारे कहीं उन्होंने तहसील के ताला लगा रखा था, और अब यू का यू बैठे है और कहता है हुड्डा जी आपको तकलीफ है, आपने मैंने 14 महक में ले रखे, मन में तकलीफ है, 10,000 वोट से तो तेरी इसकी विजेंद्र की माँ से आ रहा था, तू 47,000 से जीता, तेरे पर 2 टिकट थी और भी टिकट थी, जब तू एमपी बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था, पता कर लेना उनसे, तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की, तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए, मैं तेरी मदद से जीतता हूँ, मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी, 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था, ऐसी बातें मत कह, अगर बहुत बुरी बात है ये, अपना काम करो ठीक से, अध्यक्ष अपना काम करो ठीक से, भाई भाई बहुत है गौतम साहब, आप जो बात